नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निकिता और साई सिंह चैनल में आपका फिर से एक बार मन मन से स्वागत है। आज है ट्यूसडे और आज हम लोग जानेंगे एक साई डिवोटी के एक्सपीरियंस के बारे में। तो ये जो डिवोटी है इनका नाम है कांचन जी। तो कांचन जी का ये कहना है कि ये बहुत ही पहले से जो है साई डिवोटी है, ठीक है। आज तक जो है साई बाबा ने हर एक चीज, हर एक उनकी जो इच्छा है ज्यादातर पूरी डेफिनेटली की है। हमेशा जब भी वो प्रेयर करती है या फिर जब भी कुछ मांगती है तो कुछ ना कुछ इंडिकेशन देके या कुछ तो करके जो है साईं बाबा ने हमेशा उनको जो है अपना प्रेजेंस फील भी करवाया है। और ऐसे ही उनके साथ जो है बहुत ही ऐसे छोटे बड़े बहुत ज्यादा जो है मिरेकल्स हो रखे हैं। लेकिन इस बार जो है पहली बार उन्होंने मेरे साथ ये मेल शेयर किया और इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि उन्होंने कहा कि एक जो मेरा वीडियो आप सबने भी देखा होगा कि जहां पे मैं हांगकांग के मंदिर में पहली बार विजिट कर रही हूँ, वहां पर मुझे इतनी ढेर सारी जो है प्रसाद के रूप में नारियल मैंगोज वगैरह वो सारे सभी जो है चीजें मिलती है तो मैं कितना खुश हो जाती हूँ। और वही एक्सपीरियंस देख के जो है, अच्छा अगर जिसने ये वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे मैं ऊपर दे रही हूँ सजेस्टेड में, तो वो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर उनका कहना है कि ये जब वीडियो उन्होंने देखा तो उनको कुछ अलग ही फील हुआ। उनको लगा कि अरे मेरे साथ तो बहुत सारे ऐसे मिरेकल्स हुए लेकिन आज तक जो है कभी मैंने ये ट्राई नहीं किया कि मतलब मैं जाऊं मंदिर या फिर बाबा से मांगू या फिर कुछ थोड़ा एक्सपेक्ट करूं कि बाबा के मंदिर में जाने के बाद जो है मुझे भी कुछ फल या नारियल फूल वगैरह ऐसा कुछ मिलेगा करके। तो जब उन्होंने मेरी वीडियो देखी तो उनको कुछ अलग ही लगा, उनको फील हुआ कि क्यों ना जो है इस बार हम ये ट्राई करके देखते हैं। तो उस दिन थर्सडे था, ये जो है एज यूजुअल हर थर्सडे मंदिर जाती है, तो ये मंदिर गई और वहां पे आश्चर्य वाली जो बात है वो ये हुई कि जाते से ही जैसे ही इनके दर्शन हुए वहां के जो ओनर है या फिर जो पंडित जी होंगे तो उन्होंने जो है एक इतना बड़ा जो है वाटरमेलन अपने हाथ में लिया और इनको अपने पास बुलाया कांचन जी को और बोला कि ये लीजिए प्रसाद के तौर पर जो है ये आपको मैं दे रहा हूँ, इसे ले जाइए करके। तो कांचन जी जो है ये बहुत खुश हो गई। अच्छा जाने से पहले जो है डेफिनेटली इनके मन में, इनके माइंड में ये ख्याल जरूर आया था कि अच्छा निकिता दी का जो है ये ऐसा वीडियो है, उन्होंने मतलब ठीक है एक्सपेक्ट तो नहीं करा बट उनको अगर मिला है तो क्यों ना मैं भी ये जो है मिरेकल ट्राई करूं। तो इनको इनके माइंड में डेफिनेटली आया था कि देखते हैं इस बार अगर मंदिर जाते तो हमें कुछ मिलता है कि नहीं। तो चूंकि ये वीडियो जो है रिलेटेड मेरे साथ था तो इसलिए इनको लगा कि ये मिरेकल जो है मैंने अपने साथ मतलब मेरे साथ और आप सबके साथ जो है वो शेयर डेफिनेटली करना चाहिए, तो इसलिए मैं आप लोगों के सबके साथ भी ये शेयर कर रही हूँ। तो उन्होंने जो है वो वाटरमेलन की पिक भी भेजी है, आप लास्ट में जो है उसको देखना मत भूलिएगा। तो आज जो है ये वाला जो एक्सपीरियंस है ये मैंने जानबूझ के पहले मतलब चूज करा कि मैं इसको शेयर करूं क्योंकि इसके थ्रू जो है मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं ये सोच के कि क्योंकि है कुछ कुछ डिवोटीज वो सोचते हैं कि क्या ये हम लोग के मन का भ्रम है, वहम है कि हम सोचते हैं और बहुत बार चीजें हो जाती हैं। तो देखो जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, कोई चीज पॉजिटिव वे में लेते हैं चीजें ऑब्वियसली पॉजिटिव वे में सारी सभी होती रहती है। और बहुत बार जो है हम जो सोचते हैं वो एक्चुअल में मतलब उसके हमें ड्रीम्स भी आते हैं या फिर वो चीजें एक्चुअल में हम लोगों के लाइफ में जो है वो हो भी जाती है। बट फिर भी अगर हम साई डिवोटीज हैं तो एक बात बहुत गारंटी के साथ मैं बता सकती हूँ आपको कि जब आपकी कोई अंदर से मन में इच्छा होती है, देखो और भी कोई बहुत ज्यादा डिवोटीज होते हैं जो बोलते हैं हम भी ये ट्राई करते हैं वो करते हैं बट होता नहीं है, राइट। तो एक ऐसा होता है कि जहां पे इच्छाएं होती है बट फिर भी वो कंप्लीट नहीं होता और एक ऐसा होता है कि वही सारा सब कुछ इच्छाएं होती है, सारा सब कुछ होता है और वो जो है फट से वो इच्छा पूरी भी हो जाती है। तो जो साई डिवोटीज है जब ये एक्चुअल में मन से वो मांगते हैं और अगर बाबा के हाथ में है, अगर उनका टाइम आ गया है तो बाबा जो है फट से उनको वो अपनी उनकी जो इच्छा है वो फुलफिल भी कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं यही बताना चाहती हूँ कि इसलिए हमें ये भी बताया गया है कि कभी भी आप उठो, कभी भी आप प्रेयर करो, कभी भी आप सोचो तो हमेशा जो है वो पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव प्रेयर्स करो और प्रेयर्स ऐसी करो कि आपको बिल्कुल लगे कि हाँ हम लोग की जो है विश वो डेफिनेटली फुलफिल हो ही जाएगी। इसके थ्रू और मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि अगर विश फुलफिल नहीं होती है तो अपसेट होने की कोई बात नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इट इज टोटली
ऑल राइट, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एज कि मैंने पहले भी बताया है कि ये पाथ जो होता है स्पिरिचुअलिटी का, वो इतना आसान नहीं है। काफी आपको परीक्षाएं देनी पड़ती है, बाबा का मन जीतना पड़ता है, और जब आप धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप बहुत चीजें कुछ करके जब है बाबा के क्लोज आ जाते हैं, और जब बाबा को लगता है कि हाँ मेरे डिवोटी ने जो है ये टेस्ट पास कर ली है, तो फिर जो है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कैसे भी कुछ भी करके कैसे तो आपको जो है वो दर्शन देते ही है, अपना प्रेजेंस फील करवाते ही है। तो फिर चाहे वो ड्रीम के माध्यम से हो, चाहे वो आप अगर कोई इच्छा मन में रखे और वो तुरंत फुलफिल कर दी जाए बाबा से, तो वो एक चीज होती है, और ऐसे काफी सारी चीज होती है। तो जिसके लिए आपको जो है बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। जब आप वो व्रत भी करते हैं तो तब वो जो 9 वीक्स का ड्यूरेशन होता है, बी अवेयर कि मतलब जो है बाबा कभी भी कोई भी रूप में आके जो है आपको दर्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर, आई होप आपको आज का जो है डिवोटी का एक्सपीरियंस पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे। ओके, ओम साई राम।